अरिहान्ताण अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के, के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं उस प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के, के भाव प्रभु महावीर की वाणी आपके सामने आप सुन रहे हैं उपासक दिशा सूत्र दस श्रावकों का वर्णन कैसे भगवान महावीर के उच्च कोटि के श्रावक थे कैसे उन्होंने भगवान महावीर के समक्ष जाकर के एक बार वाणी सुनी सुन के खड़े हो जाते हैं प्रभु हम साधु नहीं बन सकते हैं, हम श्रावक बनना चाहते हैं हमें श्रावक व्रत दे दीजिए श्रावक व्रत लेते हैं घर में आते हैं अपनी पत्नी को कहते हैं वो भी व्रत लेती है उसके बाद में बहुत वर्षों तक श्रावक पलट का पालन करते हैं घर संभालते हैं अंतिम जब देखते हैं कि अब घर में रहना उचित नहीं तो वो अपने बड़े बेटे को दे करके सारी संपत्ति कौशलशाला में चले जाते हैं और अपनी साधना करते हैं सलेखना संतारा ले करके के और दस के दस श्रावक की पहले देवलोक में गए अलग अलग देवलोकों के जो विमान हैं और भगवान से पूछा गणधर गौतम ने वो महावीर में जन्म लेंगे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे दो भाव में मोक्ष यदि आप सही तरह से श्रावक व्रत ग्रहण कर लें ऐसा नहीं कि उस समय होता था आज भी होता है यदि आप बारह व्रत ग्रहण कर लेते हैं मर्यादा कर लेते हैं जीवन में जैसे वो खेती करते थे हल चलाते थे कुम्हार थे वो युग कैसा युग था आज को तो बहुत फास्ट जमाना चल रहा है और आपको तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं आप घर बैठे ही सब कुछ व्यापार चला सकते हो घर बैठे ही मोबाइल पे सब कुछ हो सकता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं पर वो तक खुद वो काम करते थे और भगवान की वाणी सुनी और सुन के जीवन में अंगीकार किया परीक्षा भी आते तो शिकदाल पुत्र जो आजीवक मत को गौशाले का पक्का भक्त था देव ने उनको सूचना दी कि देखो कल महापुरुष आएंगे सर्वज्ञ हरिहंत देव हैं उनके दर्शन करना प्रे प्रार्थना करना उनको निमंत्रण देना उनको ठहराना उनकी वाणी सुनना ये भी कई बार देव भी इस प्रकार सूचना दे देते हैं क्योंकि क्यों, क्यों किसको पता था वो तो का मत को मानने वाला था भगवान महावीर की वाणी कभी सुनी नहीं थी जब ये कहने के बाद भी वो हैरान होता है कि गोशाला के ऊपर कौन है वो ही सब कुछ है परंतु जब भगवान महावीर का पदार्पण होता है और उलासपुर नगरी के अंदर तो भगवान की वाणी सुनने के लिए सब लोग दौड़े चले आते हैं और उसको पता चला कि किसी ने कहा जाके देखा तो गुशालक तो है नहीं तो भगवान महावीर है भगवान महावीर का जब उनका व्यक्तित्व देखा अस्तित्व देखा वाणी सुनी प्रभावित हो गया और वाणी सुनने के बाद वो खड़ा हो जाता है कि प्रभु मैंने आपकी वाणी सुनी मैं व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ और उनको निमंत्रण भी दिया कि मेरी 500 सौ कर्मशालाएँ हैं यहाँ के मिट्टी के बर्तन बनते हैं और वहाँ पधारिए ग्रहण कीजिए मुझे सेवा का अवसर दीजिए जब व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है जैसे आप श्रावक हैं तो क्या करते हैं निमंत्रण देते हैं सेवा करते हैं या आप घर ले जाते हैं भोजन देते हैं वस्त्र देते हैं आप बुलाते हैं तो एक एक स्नेह का भाव होता है जैसे आपको मित्र है आपके घर में आता है तो क्या देते हैं उनको जब कोई मित्र आता है तो क्या देते हैं मित्र को बोलो क्या करते हो कोई मित्र आता है तो क्या देते हो हीरे की अंगूठी सोने की अंगूठी देते हो क्या देते हो हुँ? उनको भोजन के लिए प्रेरणा देते। मेरे घर भोजन की छी बोलो करते कि नहीं करते पहला जब कोई आपके घर आता है नया व्यक्ति आता है जिसको आप मित्र समझते हैं तो पहला निमंत्रण क्या देते हैं मेरे घर भोजन की भोजन करने से एक प्रीति का भाव बढ़ता है सामंजस्य स्थापित होता है कोई भी आता है तो ऐसे उन्होंने भी निमंत्रण दिया आप भी निमंत्रण देते फिर भोजन केवल भोजन नहीं होता बैठ करके जब आप भोजन परोसते हैं बातचीत होती है और वो व्यक्ति याद रखता है कि मैंने आपके घर गया था भोजन किया था याद किया था कई बार हमें भी याद रहता है फिर हम से जहाँ बैठे हुए हैं कई बार आप बाहर आओ तो हम भी कहते हैं आपके घर गए थे हमने भोजन लिया था आपके घर ठहरे थे अनायास ही वो बात आ जाती है तो शिकड़ाल पुत्र भी इस प्रकार जब आजीविका का उपासक था भगवान महावीर के प्रचारवाद से प्रभावित हो गया उसके हृदय में सत्य प्रश्न हो गया कि कल्याण तो पुरुषार्थ से होगा बेट पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता उन्होंने बर्तनों का उदाहरण देकर भगवान महावीर ने समझाया कि देख ये बर्तन पड़े हैं कैसे बनते हैं भगवान का पता था भगवान को क्या नहीं पता सब बताया कि मिट्टी लाते हैं उसको कूदते हैं उसको पानी मिलाते हैं गोबर मिलाते हैं और मिलाते हैं गुँथते हैं गोला बनाते हैं चाक पे चढ़ाते हैं पक्का बनाते हैं धूप में रखते हैं फिर सेकते हैं फिर बर्तन तैयार हो जाते हैं कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है कहते प्रचार तो किया ना कहते किया क्या, क्या? कहते अपने बन गए अब समझ में आ गई तो अपने आप कैसे बनते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारे जो बर्तन पड़े हैं कोई तोड़ दे उसको कच्चे पक्के बर्तन हैं कोई पत्थर मार दे तो क्या तुम सहन कर लो नहीं मैं दंड दूंगा तो भगवान कहते नियति कहाँ गई फिर कि तो होना तो हो जाएगा दंड कैसे दोगे उसको समझ में आ गया कि बात सही है पुरुषार्थ खड़ा हो गया भगवान मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और मैं आपके साथ मानता हूँ और आपके धर्म को ग्रहण करता हूँ और भगवान के धर्म को ग्रहण करता है ग्रहण करने के बाद भगवान समझाते हैं और भगवान जान के आई थी उनको पता था कि एक व्यक्ति को बदलने से सब कुछ बदल जाता है बुद्ध ने अशोक को बदला तो अशोक को बदलने से बर्मा, चीन जापान लंका सब बदल गए। और भगवान महावीर ने चौदह चतुर्मास राजगृह में आसपास ही किए राजा भ्रमण नहीं किया भगवान महावीर। राजा श्रेणी था यदि राजा धर्म को ग्रहण कर लेता है तो जनता अपने आप प्रभावित हो जाती है तो उन्होंने निमंत्रण दिया भगवान तब गए कई बार आप हमें बुलाते हो तो घर जाते ऐसे ना हम किसी घर में घुस जाते हाँ कोई ना ही जाए घर हम जा भी सकते हैं मान लीजिए गांव में जाते हैं कोई बेनती नहीं करता तो हम अचानक भी किसी के घर जा कर के भोजन ले सकते हैं पर बिना बुलाए हम नहीं जाते हम आपके घर जाते हैं दूसरे के घर क्यों नहीं जाते किसी ने घर खुले हैं यदि आपके घर से भोजन ना मिले तो फिर हम जा भी सकते हैं उनको कह सकते हैं कि अच्छा भाई खाना बना तो हमें दे दो अलग बात है तो उन्होंने निमंत्रण दिया इसने शख पुत्र ने कि प्रभु मेरी कर्मशाला में आइए पधारिए मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ तो भगवान महावीर ने उसको समझाया पुरुषार्थ की बात की कि नियति अकेली नहीं होती फाय मिलते हैं पुरुषार्थ कर्म भाग्य पुरुषार्थ नियति साथ में होती है कर्म भी साथ में होती ऐसा नहीं होता तो उसने चिंतन मन कर लिया भगवान काफ़ी समय ठहरे फिर चले गए देखा भगवान ने बिहार करके बिहान करने से पहले भगवान ने उसको और पक्का किया श्रावक के व्रत ले लिए श्रावक व्रत लेने के बाद भगवान ने कहा देखो तुम अपने धर्म में दृढ़ रहना फिर किसी के बहकावे में नहीं आ जाना दुल्ले खलु मानसो भवे सुई धम्मस दुल्ला श्रद्धा परम दुल्ला वीरियम पुनर दुल्हा भगवान महावीर ने समझाया मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है मिलना देवता भी तरसते हैं क्योंकि देवता धर्म नहीं कर सकते मानुषम खुश दुल्ह सुई धर्म का सुनना और भी दुर्लभ है फिर उस पर श्रद्धा होना और दुर्बल श्रद्धा परम दुल्ह वीरियम पुनरवि दुल्लम उसके पर पराक्रम करना तुमने सुन लिया श्रद्धा कर ली पराक्रम ने किया चार बातें ज़रूरी हैं मानव का जीवन श्रुत सुनना धर्म का सुनना सुन करके श्रद्धा पक्का श्रद्धा रखना कि यही मार्ग सत्य है उस तो पर पुरुषार्थ करना चार बातें भगवान ने कहा तो पुत्र ने समझ लिया कि तुम होनहार कहते हो यह कर्म का फल है सभी को भोगना पड़ता है पांडवों को अज्ञातवास जाना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को पाठ छोड़ छोड़कर के शमशान के वासी बना और भगवान राम को वनवास जाना पड़ता ये कर्म है कर्म के अनुसार सबको भुगतान देना पड़ता है भगवान महावीर शिखलाल पुत्र को समझा रहे हैं कि मैंने तुम्हें जीवन की सम्यक दिशा प्रदान दी है यह श्रद्धा जो तुमने बनाई है तो छोड़ना नहीं भगवान स्वयं कह रहे हैं उस श्रद्धा को छोड़ना नहीं श्रद्धा बनी रहेगी तो तुम कभी ना कभी चरित्र धर्म भी ग्रहण कर लोगे साधु भी बन जाओगे आचरण कर लोगे भगवान महावीर ने पहले कह दी कि तुम्हारी बुद्धि में भी भ्रम उत्पन्न करता है तो श्रद्धा से डिगना नहीं भगवान महावीर उपदेश लेकर के विहार कर गए अब उसके बाद उसकी धर्म पत्नी अग्निमित्रा भार्या उस वो भगवान के पास आती है उसने अपने शिवलाल पुत्र सोचता है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनकी जो दृष्टि है और विचार है वो मिलने चाहिए धर्म ही कर्तव्य सिखाता है धर्म आ जाता है श्रद्धा समर्पण आ जाती है तो शिवलाल पुत्र चाहता है कि जो मेरा चिंतन है वो मेरी भार्य पत्नी का भी होना चाहिए मेरे विचारों का आचार होना चाहिए शुभ कार्य में का, वो अपने पत्नी को भी कहता कि तुम भी जाओ भगवान के समोसल में जाओ व्रत ग्रहण करो और बन जाओ तो वो भी जाती है सुन कर के उनके वचन और भगवान ने जैसे चगदाल पुत्र को बताया बारह समझाए समझाया तो उसने कहा कि तुमने भी गुशालक के मत को त्याग दिया है मैं भी आपके धर्म को ग्रहण करना चाहती हूँ श्रवणोप बन, बनना चाहती हूँ वही भगवान ने कहा आ स्वम देवानुपिया गोयम माप माये प्रमाद मत करो शुभ कार्य में देरी मत करो कोई भी अच्छा कार्य करना हो मन बड़ा शैतान है जैसे आप दान करना चाहते हैं अभी मन में भाव आया दस मिनट में मन बदल जाता है इतना देने की क्या जरूरत है आधा कर दो चौथा हिस्सा कर लो उसके पास होगा ही क्या पता ऐसे ही मन कितना विकल्प में कर देता यदि आपके मन में अच्छा करने का भाव आ गया मतलब दान देने का भाव आ गया ध्यान करने का भाव आ गया सेवा करने का भाव आ गया कुछ भी दानशील तुरंत कर लो नेवर ऑफ टिल टू मारो बट यू कैन डू टू डे आज जो करना चाहते हो तुरंत कर लो पता नहीं मन कभी घबरा जाता है कभी देना दे करके भी पछताता है क्यों दे दिया इतना क्यों दे दिया इतनी क्या जरूरत थी मन निकालता है तो अग्निमित्रा ने भी उसके धर्म को स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ भगवान के समोसर में गई भगवान ने धर्म कथा सुनाई और कहा उसने कि प्रभु मैं भी नीतिवाद की परंपरा को छोड़कर के पुरस्ार्थवा आपके धर्म को मैं श्रावण प्रकाश का बनना पड़ती हूँ मैं साध्वी नहीं बन सकती मैं श्राविका बनना चाहती हूँ मुझे श्रावक व्रत को दे दीजिए उसने भी श्रावक के ग्रहण कर लिए और वो धर्म सहायिका बन गई अब गोशालों को पता लगा क्योंकि तो बात तो फैलती है कि भगवान आए थे और वो शिकडाल पुत्र बदल गया बहुत बड़ा भक्त था मेरा वो कैसे बदल गया मेरा भक्त बना रहे उसकी दृष्टि महावीर की दृष्टि अध्यात्मिक थी परंतु अब वो ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए अब वो पुत्र छुगाल उसके पास आता है अजीव का गुशालक भी गुशालक के पास गुशालक चकडाल पुत्र के धर्म जाता है और सत्य को ग्रहण करने के लिए चगडाल पुत्र से महानता वीरता का परिचय दिया है उसने सत्य को स्वीकार कर लिया परंपरा को छोड़ दिया कई बार व्यक्ति परंपरा को पकड़े रहता है कि मेरे गुरु ने जो कहिया वही सत्य कई बार हम कहते हैं संतों को भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र बताया वो ठीक है पर ध्यान भी तो करके देख लो साधना भी कर नहीं जो गुरु ने कही तुम्हारी मर्जी हम क्या कह सकते हैं तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी शुभ पुत्र ने कहा कि मैं नियतिवाद को क्यों उल्टूँ तो यदि नियति में सब कुछ है तो बर्तन कैसे बन गए कैसे हो गया पुरशाथ सत्य है तो उसने व्यवहार को छोड़ करके आचरण को स्वीकार कर लिया और भगवान महावीर का पक्का भक्त बन गया जैसे केशी श्रमन राजा प्रदेशी और चित्त ने राजा प्रदेशी जो उसके हाथ रंगे रहते थे खून से नास्तिक था मानता नहीं था कैसे चित्त ने चित्त तो उसका मंत्री था घोड़े के बहाने की राजन घोड़े दिए हैं प्रशिक्षित हो गए हैं चलो उनको घुमाने ले जाए साथ ले गया और उनको वहाँ ले आया जहाँ केशी शर्मण बैठे थे उनका वार्तालाप हुआ उनको समझाया और राजा बदल गया और केशी राजा प्रदेशी श्रावक व्रत ग्रहण करके अंत में सलेखना ले के सूर्याप देव बनता है उसकी पत्नी ही उसको जहर दे देती है ऐसा भी समय आता है तो जब धार्मिक व्यक्ति बन जाता है तो उसको समझाने के लिए समझने के लिए बहुत होता है इसलिए को सहन नहीं कर पाया वो चला आया सकदाल पुत्र जब गुशालिक आया तो सकदाल पुत्र कुछ नहीं बोला मौन रहा ना उनको कोई सम्मान दिया ना बैठने की जगह दी शांत रहा उसने बोला ही नहीं मौन रहा चुपचाप बैठा रहा अब उसने देखा वो चतुर था गोशालक बहुत होशियार था उसने सोचा कि कुछ भी हो मुझे समझाना चाहिए शिकलाल पुत्र ने नीति अपनाई गोशालक ने गोशालक मीठी मीठी बातें करने लगा बड़ा मधुर बोलने लगा है उसने हवा के रुख को देख कर बदल लिया है कि पुत्र का मन मेरी तरफ नहीं आ रहा है तो कैसे क्या करना चाहिए उसने उसकी भावना को देख करके अपना अनुयायु बनाने के लिए उसका स्वार्थ था कि मैं प्रशंसा करूंगा भगवान की तो मेरे पास आ जाएगा उसने क्या कहा उसने ज्ञात हुआ कि भगवान महावीर उसने पूछा कि भगवान महावीर आपकी कर्मशाला में पधारे थे आए थे ये नहीं कैसा आए थे पधारे थे ऐसा कहा भगवान महावीर के पधारने से उसने पांच विशेषण का प्रयोग किया भगवान महावीर महामाह महागोप महासार्थवी महाकथी और महानिरामक कहा प्रशंसा करता है गोशालिक किसके आगे अपने शिष्य के आगे शकडाल पुत्र के आगे कहते भगवान महावीर तो महामहान है महामहान कर किसी को मारते नहीं अहिंसावादी है महामहान का महान यानी मत मारो भगवान का उपदेश अहिंसावादी का भगवान महावीर अहिंसावादी है वो तो दूसरा के महासार्थवा है उस जमाने में सार्थवा लोग साथ जाते थे गाड़ियाँ चलती थी सामग्री साथ लेके जाते थे बरसात का मौसम होता था और घोषणा कर देते थे कि कोई व्यापारी साथ चलना चाहते तो साथ चलो व्यापार करो उसमें अपना प्रॉफिट कमाओ और साथ में रहने की सुरक्षा मेरी होगी उसको सार्थवाह कहा जाता है जैसे कि व्यापारी जिसने का सहयोग देते हैं तो भगवान को क्या कहा ये सार्थवा है ये मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी है ये सार्थवा किसी को व्यापार में सहयोग देता है धन में सहयोग देता है मुसीबतों को सहन कर लेता है ऐसे भगवान महावीर तो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं और उनके सहयोगी हैं विशेषण दिया महासार्थवा तीसरा कहा महागोप ग्वाला जैसे गाय चरा के जाता है सुबह से शाम तक जंगल में और आकर के वो गाय को जिस जिसकी गाय है उसको छोड़ देता है ऐसे महावीर तो गोप की संख्या दी कि चरा में जितने लोग हैं उनको सुरक्षित निर्वाण पहुंचाने की प्रयत्न करते हैं भगवान महावीर चाहते हैं कि सब संसार के जीव मोक्ष चले जाएं वो महागोप ग्वाले की भांति महाकथी कथी का मतलब कथन करने वाले भगवान महावीर का प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन है कोई गांठ नहीं है इस राग दो इससे ऊपर है भगवान का प्रवचन महाकथी है वो महा पांचवा महा, महानिरियामक निर्यामक कहते मल्लाह को जैसे मल्लाह नदी में लोगों को नाव से पार करवा देता है नौका के द्वारा यात्रियों को पहुंचा देता है ऐसे भगवान मांझी के समान है मोक्ष किनारे पर जो चलते हैं उनको मोक्ष पहुंचा देते तन्ना नंग तारियान बुद्धानंद भगवान तो ऐसे है तो कुशालक ने भगवान महावीर को क्या कहा पांच उपमा दी क्यों कौन सी महामहान महागोप महासार्थवा महाकथी और महानिर्यामक जब ये कहा तो शिकाल पुत्र प्रसन्न हो गया कि जिसने अपने मैंने अपना शास्त्र जिसको माना था ये तो भगवान महावीर की बात प्रशंसा कर रहा है ये तो मेरे आचार्य का आदर मान करता है उसके हाथ उसने हाथ जोड़े नहीं उसका मस्तक झुका नहीं अपने शिष्टाचार भी उसके प्रति छोड़ दिया था अब देखो धर्माचार्य कितना गुणगान कर रहा है कितनी प्रशस्तियाँ गा रहा है मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका सम्मान कर फिर वो खड़ा हो गया अवश्य डाल खड़ा होकर के क्या कहता है कि आप पधारिए कर्मशाला में ठहरिए जो उपकरण लेना चाहता है ले लीजिए कुछ दिन यहाँ ठहरिए विशाल तो चाहता था कि मैं यहाँ ठहरूँ अब उसने पहले आदर ही नहीं दिया अब देखो कितना नीतिज्ञ था कुशालक कैसे उसने नीति अपनाई कि मैं कठोर सा कहूँगा तो मेरी बात मानेगा नहीं उसको प्रवेश करने के लिए भगवान महावीर के लिए ऐसे पांच लगा दिए गुशालक यह भी चाहता था कि मुझे अपनी कर्मशाला में ठहरने का अवसर दे फिर उसने पूछा छदाल पुत्र ने कि क्या तुम भगवान महावीर से शास्त्रार्थ करना चाहोगे आगे और पूछा शास्त्रार्थ करना चाहोगे आप विशालक तो जानता था कि मैं उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता कहा महावीर और कहा मैं मुझे हरा देंगे क्या बोला वो उसने कहा शक्टाल पुत्र यदि कोई अत्यंत बलवान व्यक्ति अपने मजबूत हाथों से यदि किसी जानवर को पकड़ ले कोई मजबूत व्यक्ति कोई अपने हाथों से जानवर को पकड़ ले और उसको छोड़े नहीं तो जानवर उसके हाथों से छुट सकता है छाल पुत्र का नहीं छुट सकता तो विशालक ने अनुकूल करने के लिए कहा अपना कितना गिरा लिया कि मैं तो उस जानवर की भांति हूँ वो तो महान है मैं शास्त्र नहीं कर सकता उसके साथ ऐसा भी कर लिया तो गुशालक ने सोचा क्या मैं क्या करना चाहिए अब उसने और तरीके अपनाए पर वो सगडाल पुत्र पक्का उसने कहा नहीं मैं तो नीति बात को नहीं मानता नीति सब कुछ नहीं है प्रशार्थ है प्रशाद से आगे चलता है अब उसने देखा कि अब नहीं मानता अब वो धीरे धीरे जाने जला गया लोगों में बात फैल गई कि अजीब का मत का बहुत बड़ा एक जो सार्थवा था वो छोड़ गया अजीब का मत लग गया हजारों लोग गुशालक के जो अनुयायी थे वो भगवान महावीर के अनुयायी बन जाते भाग्यवाद नहीं पुरवादी बनो अब वो गुशालक ने प्रयत्न किया पर कामयाब नहीं हुआ दृढ़ बन गया सकदाल पुत्र दृढ़ था अपने जो बात को ऐसे आप ही पक्के श्रावक बनो ऐसा नहीं गंगा गाय गंगा दास जमुना गए, गए दास ये भी ठीक है और वो भी ठीक है हाँ में हाँ नहीं मिलाना पहले परखो अपने आप को क्या ये मार्ग ठीक है उसके अनुसार चलो जीवन में धर्म को मानना चाहिए भाग्यवादी नहीं सम्यक प्रसार्थ बनो जो प्रचार करते हैं वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं पुत्र ने सोचा आज तक नियतिवधि बन मैंने कोई साधना की नहीं जो होना तो हो जाएगा अब मुझे साधना करने की आवश्यकता है अब मैंने समझा कि पुरुषार्थ से प्रत्येक व्यक्ति रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जीवन के चार लक्ष्य हैं शुद्धि शांति सतगति और मोक्ष क्या चार लक्ष्य शुद्धि आत्म शुद्धि होनी चाहिए आत्म शांति होनी चाहिए और सतगति ऊपर जाना चाहिए और मोक्ष जाना चाहिए जीवन के चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थ और काम मुझे चाहिए नहीं धर्म से मैं मोक्ष की ओर जाना चाहता हूँ तो पुत्र ने धर्म का शरण लिया पौधशाला में धर्म कर रहा था और धर्म करने के बाद देवता आ गया वहाँ अब उसकी परीक्षा लेता देव आकर के उसने उसको भयभीत किया उसके सामने उसके पुत्र को मौत की घाट उतारने की धमकी दे दी श्री पुत्र को वो घबराया नहीं कि पुत्र मेरा कह मेरा क्या है पुत्र अपनी जगह कोई मार नहीं सकता किसी को वो अपनी साधना में दिड़ रहा जब देखा कि पुत्र भी घबराए वो घबराया नहीं विचलित नहीं होगा अब उस देवता ने सोचा कि कमजोरी क्या है जैसे चूलनी पिता की कमजोरी थी उसकी माँ थी चूलनी पिता हिल गया था माँ को देख करके ऐसे सोचा कि उसकी पत्नी शिकलाल पुत्र की कमजोरी उसकी पत्नी थी अग्निमित्रा अग्निमित्रा कैसी है उसका जीव अग्निमित्रा पत्नी कैसी होनी चाहिए तीन बातें होनी चाहिए पत्नी धर्म सहायिका सुख दुख सहायिका और जीवन वैद्य पत्नी धर्म के में सहायता देने वाली हुई पति धर्म में गिर जाए तो पत्नी उसको ऊपर उठाए और उसके दुख में सुख में हमेशा साथ दे तीसरा जीवन वैद्य जैसे वैद्य रोग दवाई दे करके ठीक कर देता ऐसे पत्नी अपने पति को धर्म में सृक्ष करे तीन बातें किसमें थी अग्निमित्रा में थी तो वह गृहिणी थी तो जब उसने कहा कि तुम नहीं मानते तेरी तो पत्नी को मैं तुम्हारे सामने मार दूंगा जिंदा जला दूंगा वो गृहिणी थी मित्रा के लिए पहला स्थान तो उसका वो था दूसरा अग्निमित्रा का था जीवन वैद्य थी वो शेखाल पुत्र ने सोचा कि यदि जिसका आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है जिसको आप ज़्यादा चाहते हो, शक्ति वहाँ मिल जाता है उसने कहा कि मैं अग्निमित्रा को तेरे सामने जीवन समाप्त कर दूंगा तुम्हारी आँखों के सामने देखोगे तुम वो कैसे अब उसने बैठा उसके सामने अग्निमित्रा को ला करके उसके सामने उसको मारने लगा या खत्म करने लगा उसने सोचा कि मेरे पुत्रों को भी मार दिया यही मेरी पत्नी थी जो मुझे सहायता देती थी मेरी धर्म सहायिका सुख दुख सहायिका और जीवन वैध्य है ये आप इसको भी मार देगा तो मेरा क्या होगा आप वो खड़ा हो गया चिल्लाने लगा दुष्ट तो सामने आ कैसे मारता है वो तो देव तो चाहता ही था कि ये अपनी साधना से गिर जाए देव भाग गया अब उसके सामने देखा कोई है ही नहीं उसकी पत्नी जब देखा अग्नि मित्रा ने पतिदेव क्या हो गया उसने कहा कोई देव आया था आपको मारने के लिए नहीं मुझे तो कोई देव मारने आया नहीं देव ने उपसर्ग दिया था आपको अब आप वो पत्नी समझाती है किसको अपने पति को ये धर्म सहायिका होती है वो अपने धर्म से विचलित हो गया चाहता था पत्नी ने कहा पतिदेव आप धर गए आपने कोई किसी को तेरे अपने बेटे भी सुरक्षित हैं मैं भी सुरक्षित हूँ वो तो कोई देव आपको परास्त करने आया था आपकी साधना को समाप्त करने आया था आप घबराओ नहीं आप आलोचना करो प्रतिक्रमण करो प्रायश्चित करो जीवन शुद्धि के लिए तीन बातें हैं बड़ी से बड़ी गलती आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित बार बार करते रहो बार बार करते रहो बार बार करते रहो इससे आपके पाप हल्की हो जाती जो कार्य आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित होता है वो बड़े बड़े तप में नहीं हो पाता तुम तो मास्क मन ना कर सको तुम बड़ा तप ना कर सको तुम बड़ा दान ना दे सको तो अपने जीवन की आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करो यदि वो प्रायश्चित ना करता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था पत्नी के कहने से उसने प्रायश्चित किया आलोचना की आत्मशुद्धि की आत्म शुद्धि करके फिर वो अपनी साधना में दृढ़ हो गए आत्म शुद्धि करने के बाद पंद्रह वर्ष तक उस श्रावक धर्म का पालन करता रहा पंद्रह वर्ष तक उसने श्रावक धर्म का पालन किया और अंत में एक महीने की शलेखना करके आत्मा का शोधन किया शरीर त्याग करके प्रथम देवलोक के अरुण भूत विमान में जन्म लिया गौतम ने भगवान महावीर से पूछा हे प्रभो शकलाल पुत्र कहाँ से मोक्ष प्राप्त करेगा भगवान महावीर ने कहा वह देवलोक से चवन कर <coughs> महावीर क्षेत्र में जन्म लेगा संयम ग्रहण करेगा निर्दोष संयम की आराधना करके कर्मों को न करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर ऐसे शकलाल पुत्र का वर्णन आपके सामने आते हैं और तीन शरावक है जिसकी चर्चा फिर कभी करेंगे आज चतुर्मास समाप्ति का दिन है चतुर्मास पक्षी भी है चौमासी पक्षी है चार महीने में आप सभी ने खूब सेवा का लाभ लिया हर तरह से आप हमने सब संतों को जितने भी श्रावक यहाँ बैठे हैं जितने भी घर हैं आप सब ने खूब सेवा का लाभ लिया कोई कमी नहीं रखी हमने जो मांगा आपने डबल दिया ट्रिपल दिया जो मांगा सब ने दिया चाहे रमेश भाई है चाहे तुलसी भाई है चाहे किरण बहन है चाहे ललिता है चाहे मेहता परिवार है चंदा भाई है मैं नाम फूल जाता हूँ <laughs> और अपने गन्ना परिवार की बहनें बैठी हैं और बीलाल का परिवार है और पीछे कटारिया, कटारिया परिवार है और कौन 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 सा रह गया परिवार <laughs> है? गौतम मेहता का परिवार है आ, है श्वेता मेहता सुरेश, सुरेश जी मेहता सुरेश जी संचेती और मनीषा तो बहुत ही भावना रखती है मेरे घर आ जाओ मेरे घर आ जाओ गोष्ठ का लाभ दे दो और इसने भी मन किया मेहता जी ने दो मास मन किए खूब धर्म की आराधना की आप सबकी सेवा हमारे पास रही आपकी सेवा के कारण ही हम जहाँ टिके बैठे बहुत बड़ा बल होता है यदि कोई घर ना हो आसपास रहने का स्थान ना हो आपने स्थान भी प्रोवाइड किया संतों की सेवा का ध्यान रखा कभी भी संतों को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा सब ने ध्यान रखा अशोक भाई भी आते रहते हैं सेवा करते रहते हैं और सब ने ही आपने सेवा का लाभ लिया किसी का नाम छूट गया होगा तो बता देना मैं कभी कभी भूल जाता हूं रह गया किसी का नाम सुशील जी तो सुशील जी लता जी तो मारथी है दोनों ही है सुशील जी सब का ध्यान रखते हैं शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन के सभी मेंबर चाहे उपस्थित है नहीं है कभी भी आवश्यकता पड़ती है कल सभी संतों के टेस्ट भी हो गए और पीएच लैब में आपको कहा काफ़ी रिपोर्ट भी ठीक आ गई नॉर्मल आ गई डॉक्टर ने बताया कि ठीक है तो शुभ मुनि का भी स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं रहा हॉस्पिटल जाना पड़ा आपने इनकी भी सेवा करी मेरी भी सेवा करी सब की आपने सेवा की जो सेवा अमर होती है व्यक्ति चला जाता है सेवा अमर रहती है आपने जो शुद्ध भाव से सेवा की है वो अनुमोदनीय है प्रशंसनीय है फिर भी हम कई बार आपके घर नहीं जा सके आपने कहीं ने कहा होगा मेरे घर आओ मेरे घर आओ सर मैं नहीं जा पाया तो उसके लिए भी मैं अपने को अंतकर्म से क्षमा प्रार्थी हूँ सबके घर नहीं जा पाया और हमारे तीनों नरेंद्र भाई और कौन कौन है सुभाष अशोक भी। रोहित भाई इन्होंने भी भाव सेवा का लाभ लिया चौबीस घंटे खड़े रहते हैं नरेंद्र भाई कोई भी वीडियो का काम करना हो तो रात को बारह बजे दो बजे हम जैसा कह देते वैसे कर देते अशोक भाई रोहित भाई तीनों सभी ने बहुत सेवा का लाभ लिया कोई कमी नहीं रही हमारी कमी हमारी तरफ से रह सकती है पर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आप सब की तरफ से हम आज चमासी पक्की है कल बिहार होगा फिर दोबारा आ जाएंगे रमेश भाई के घर जाना है पास ही है दूर नहीं रमेश भाई सब ने सेवा का लाभ लिया तुलसी तो भाई ने तो दो मकान दे रखे हैं ये मकान सब के लिए सन जाए कोई आए सेवा कर एक मकान अपने लिए रखा है एक साधु साधियों के लिए रखा है एक और रख रखा रक है किसी को जरूरत पड़े तो और ले ले तो आप की इसके लिए हम आपकी सेवा के लिए अलबदला करते हैं इज ह्यूमन टू फॉर गिवस डिवाइन फिर भी हमारे द्वारा किसी की भावना को ठेस पहुंची हो किसी का उपेक्षा हो गई हो तो उनके लिए हम अंतक से क्षमा चाहते हैं आज पक्की है पक्की का प्रतिक्रमण है कल सुबह साढ़े आठ बजे के करीब बिहार होगा आठ साढ़े आठ बजे कल हमारी पोर्सी के करीब होगी क्योंकि चौमासी पक्की है पोर्सी के बाद ही हम लेंगे आपके लिए भी नाश्ता वाश्ता रखा होगा रमेश भाई सबको डिवाइट कर दो सबको कर दो ना ध्यान करेंगे आंखें बंद मन वचन का काया शांति शरीर शांत विचार शांत सृष्टि शांत वातावरण शांत हर दिशा हर किनारा शांत सिर के सिरे से पांग के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए तुम मात्र 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 आत्मा हो इस आकार में निराकार आत्मा शुद्ध आत्मा संपन्न आत्मा परिपूर्ण आत्मा नहीं। नहीं। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा संपन्न आत्मा परिपूर्ण आत्मा अपने भीतर मंगल का भाव लाएं प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए एक शरण है धारण की और शरण नहीं को एक शरण है

सत्य धरम थे तेज से सबका मंगल हो तेरा मंगल हो सबका मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो इसी में एक लंबा गहरा श्वांस लें अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें एक और लंबा गहरा श्वांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते हैं नमो अरिहंत आनंद नमो सिद्धानंद नमो नंग नमो लोय सब लो सपागुन धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवादी तंग नम में से ये श्री चत्तारी मंगल अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगल मंगलम केवली धम्मो मंगलम चत्तारी लोघुत्तम अर्ंता लोगुत्तम सिद्धा लोघुत्तम लो लो साहु लोग उत्तम केवली पणत्व धम्मो चत्तारी शरणम पवज्जामी अरंते अंत शरणम सिद्धे शरणम पवज्जामी साहू शरणम पवज्जामी केवली पणत्तंग धम्मं शरणम पवज्जामी चारे